आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पे। आज हम क्लास सिक्स के लिए जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 29। और क्वेश्चन नंबर 29 में हमारे पास ए बी रेखा में ए बिंदु के ऊपर हमने 112 सही 1/2 112 डिग्री अर्थात 112 एंड हाफ डिग्री का एंगल बनाना है, हमने कोण बनाना है। तो ये हमारे पास इस चीज को पहले सॉल्व करके देखें। इसको बनाने के दो तरीके बताऊंगा जो आपको आसान लगे उस चीज को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ये 180 डिग्री से हम लेस करते हैं 112.5 112.5 हम ऐसे भी लिखते हैं 5 9 में से 2 के 7 ये आ गया 67.5। या तो हमारे को लेफ्ट साइड से 180 से हमने क्या करना ऊपर की तरफ 67.5 डिग्री का कोण बनाना है 120 और 112.5 में कितने का अंतर है, ये हमारे पास चला गया 0 5 9 में से 2 गए 7 7.5 डिग्री का 7.5 डिग्री का कोण हमारे को किस तरह बना 120 से 7.5 डिग्री कम करना है। ये दो तरीके हैं, इन दोनों तरीकों से मैं आपको बताऊंगा। पहले करते हैं ये वाला फॉर्मूला नंबर 1 ये नंबर 2 इन दोनों तरीके से बताऊंगा। ये ए बी रेखा ली दी हुई थी आगे की तरफ बढ़ा दिया डॉटेड में ए बी या गया हमारे पास सी बिंदु। प्रकार की सहायता से बनाना है तो प्रकार लिए हमने अपनी मर्जी से प्रकार खोल के एक चाप लगा दी। ये आ गया हमारे पास डी बिंदु डी से ऊपर की तरफ काट दिया ई बिंदु ये एफ बिंदु ई ये एफ आ गया। अब हमने क्या करना है 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमारे को 90 का एंगल बनाना पड़ेगा तो बाह्य कोण हमने बनाना है 67.5 डिग्री का। ये आ गया जी बिंदु जी बिंदु हमारे पास इसी चाप के ऊपर है इसके ऊपर प्रकार रखा और चाप लगा दी। एफ बिंदु ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा एफ जी ये आ गया एच बिंदु एच बिंदु से भी हमने चाप लगा दी जहां कटता है वो आ गया 45 डिग्री का एंगल बाहर की तरफ ये बाहर की तरफ 45 डिग्री का एंगल है। ये सेट स्क्वायर का एक कोण 45 का होता है ये देख पा रहे होंगे ये 45 का डिग्री का एंगल 180 से पीछे की तरफ है मतलब कि बाहर की तरफ कोण है। तो हमने बाहर की तरफ कितने का बनाना है 67.5 डिग्री का। तो 67.5 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम क्या करते हैं 45 और 90 का हाफ करते हैं। ये आ गया जी के बाद आ गया एच बिंदु एच के बाद आ गया आई बिंदु आई बिंदु हमारे पास ये 135 डिग्री वाली जो थी 45 डिग्री बाहर से 135 डिग्री अंदर से ये कौन था तो हमने यहां ही काट रहा है प्रकार खोल के चाप लगा दी और जी से जी और आई से चाप लगाई है हमने। ये जहां काटती है इसका नाम जे रख देते हैं ये इसको मिला दिया उत्तर की रेखा आ गई ये हमारे पास उत्तर की रेखा है। तो आप देख लेते हैं क्या ये 112.5 डिग्री का कोण आया तो हम चेक करते हैं ये 112.5 हमारा आंसर सही आ रहा है। तो इस साइड से जब हम इधर से देख रहे हैं तो ये 67.5 डिग्री का कोण है देख रहे होंगे नीचे से ऊपर की तरफ 67.5 डिग्री का कोण था वो 180 से 67.5 घटाया तो हमारे पास ये आ जाएगा 112 सही 1/2 112 डिग्री। ये हमारे पास एक तरीका था। इसको करने का दूसरा तरीका ए बी रेखा ली आगे की तरफ बढ़ा दिया आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ए बिंदु प्रकार के चाप लगाई या गया बी बिंदु बी के बाद आया
ई बिंदु जहां ये फर्स्ट टाइम काट रही है, उसके बाद ये 60 था, 120 पे आ गया हमारा एफ बिंदु। ई और एफ का समझे भाग किया तो ये आ गया 90 डिग्री का एंगल, ए के साथ मिलाया, रचना का कार्य है। अभी हमारे पास क्या करना है कि 120 से 7.5 डिग्री कम करना है हमने। अभी 90 और 120 में हमारे पास 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का है। 30 का आधा करेंगे तो 15 होगा, 15 का आधा करेंगे तो 7.5 डिग्री होगा, 7.5 डिग्री। और ये 7.5 डिग्री हमारे को चाहिए, मतलब 30 का आधा करेंगे तो 15 आएगा। हाफ किया 90 से लगाई एफ के बाद, ये हमारे पास जी बिंदु था, जी और एफ से चाप लगाई, ये आ गया 105 डिग्री का। 90 में 15 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। तो ये हमारे को ये भी आंसर नहीं है। तो अब बच गया हमारे पास 15 डिग्री राइट हैंड साइड में, 15 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड में। अब इस 15 का भी हमने हाफ करना है, कहां 7.5 डिग्री कम चाहिए, 120 से 7.5 डिग्री कम चाहिए, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इस 15 डिग्री का हाफ करना पड़ेगा। जी के बाद इस बिंदु का नाम रख देते हैं एच बिंदु। एच बिंदु के ऊपर प्रकार रखें, इसी चाप के ऊपर ही एच बिंदु आया था, एच बिंदु के ऊपर चाप रखी, प्रकार रखी, और हमने ऊपर की तरफ एक चाप लगा दी, और एफ बिंदु के ऊपर प्रकार रखे भी चाप लगा दी। जहां ये आपस में क्रॉस करते हैं वो आ गया हमारे पास एच के बाद आई बिंदु, आई को मिला देना हमने ए के बिंदु के साथ। तो ये हमारे पास उत्तर की रेखा थी, हमने इसको गहरा कर दिया हुआ है। तो ये हम जब इसको देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे, ये 15 डिग्री था, हाफ हाफ किया, 7.5 राइट हैंड साइड में, 7.5 लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये कहने का मतलब 120 से 7.5 कम होगा तो ये हमारे पास कितना आएगा, 112 डिग्री एंड हाफ, 112 डिग्री। हम इसको चेक भी कर लेते हैं क्या हमारे पास ये भी आंसर सही आया, तो ये देख पा रहे होंगे, जैसा कि देख पा रहे होंगे ये 90 का बिंदु है यहां पे, ए बिंदु, और ये 90 की रेखा है ऊपर की तरफ, और ये 110 से 2.5 डिग्री ऊपर है, मतलब ये आंसर हमारा सही आया 112.5 डिग्री, और नीचे से ऊपर की तरफ 67.5 डिग्री होता है, ये बाहर की तरफ जो कोण बनता है ये 67.5 डिग्री होता है। ये एक मेथड था, ये दूसरा मेथड था, आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में से एक ही मेथड अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास रफ कार्य था, तो आप चाहें ये आपको मिटाना पड़ेगा या रफ कॉपी में करें, आपने शीट के ऊपर ये कार्य नहीं उतारना है। पर यदि आपको लगता है कि आपको समझ के लिए चाहिए, ज्योमेट्री के साथ रहिए, रखिए, पर एग्जामिनेशन में इसे यूज मत करें, वहां पे ना रखें, क्योंकि नंबर कटते हैं सिपाही के। तो आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।